हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक और हलवाई वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हलवाई लोग जो होते हैं वो सफ़ेद वाले स्पॉन्जी रसगुल्ले कैसे बनाते हैं, तो आज वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप देखिएगा पूरा वीडियो कि कैसे वो लोग रसगुल्ले बनाते हैं, और बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले उनके बनते हैं हमेशा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल राखी की रसोई को। तो यहाँ पे उनका जो गैस कटर है उस पे उन्होंने एक बर्तन रख दिया है, तले में पानी डाल दिया है, और अब इसमें डाल देंगे दूध। तो दूध हम आधा आधा करके डालेंगे, पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे, फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे उसको गर्म होने देंगे, एकदम से सारा दूध नहीं डालेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हैं तो इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और दूध जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गाय का दूध लिया है, 7 किलो दूध का बना रहे हैं हम। आप चाहे तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं, पर गाय के दूध के जो रसगुल्ले बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया है, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इनको एक अलग बर्तन में आधा आधा करके निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से नॉर्मल सा हो जाए। ठंडा नहीं करना है दूध को। यहाँ पे इसमें पानी में टाटरीन डाल के भिगा दिया है, यहाँ पे पानी में रीठा डाल के भिगा दिया है और रीठा को उबाल लिया था। फिर यहाँ पे जो हमारा दूध है उसमें हम डालेंगे जो टाटरीन का पानी बना के रखा था वो डालेंगे दूध को फाड़ने के लिए। यहाँ पे ये कोई नींबू वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, विनेगर का यूज़ नहीं करते हैं, दूध फाड़ने के लिए ये टाटरीन का यूज़ करते हैं। तो पहले से पानी में टाटरीन को भिगा दिया था, वो घुल गई थी पानी में अच्छे से। अब टाटरीन का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये दूध को फाड़ रहे हैं, यहाँ पे छेना तैयार कर रहे हैं। तो दूध अब मैं अभी नॉर्मल पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि क्योंकि ये दूध को हमें गर्म में ही फाड़ना होता है, तो इसलिए छेना टाइट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। एक कपड़ा लगा देंगे और जो ऊपर पानी है वो पूरा निकाल देंगे और छेना नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पानी इन्होंने निकाल दिया है और छेना को एक कपड़े में डाल दिया है। अब कपड़े को फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। तो इसको दबाते हुए जितना छेने में एक्स्ट्रा पानी है वो अलग कर देंगे। तो आप यहाँ पे मलमल का कपड़ा लें, और अब छेने को एक बर्तन में निकाल लिया है, थोड़ा सा मलेंगे तो ये अभी थोड़ा और गीला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मलमल का कपड़ा फिर से लेंगे और छेने के ऊपर रख देंगे और इसको दबाएंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा पानी है वो कपड़े में आ जाएगा, तो कपड़े को साइड में निचोड़ देंगे। तो ऐसे 2-3 बार करेंगे। छेना हमें बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। जब हम इसके बॉल बनाएंगे तो बॉल आसानी से बन जाने चाहिए और उसमें क्रैक नहीं आने चाहिए। तो छेना हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इस छेने को 10 से 15 मिनट के लिए हाथों से मल लेंगे, यानी कि सॉफ्ट कर लेंगे, एकदम जो चिकना डो होता है ना वैसा। और दूध को फाड़ते टाइम आपको याद रखना है दूध एकदम ज़्यादा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो छेने को मल लेंगे, साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे चाशनी। तो एक बर्तन में पानी डाल दिया है और उनका जो गैस कटर है उस पर चढ़ा दिया है, और इसमें डाली है 10 किलो चीनी और दूध डाला है पहले से, ताकि चाशनी हमारी क्लियर बने। तो चलाते हुए घुलने तक पकाएंगे इसको। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाइड्रो। तो ये लोग हाइड्रो यूज़ करते हैं, तो हाइड्रो इसलिए डालते हैं क्योंकि
क्या होता है, ये हाइड्रो का टुकड़ा डाल दिया है, इससे जो ऊपर गंदगी होगी ना पूरी, तो जो हमने दूध डाला था और हाइड्रो डाला है, ऊपर पूरी गंदगी आ जाएगी, यानी कि फेना आ जाएगा गंदा, वो निकाल देंगे साइड में। तो यहाँ पे क्लियर चाशनी बनके हमारी तैयार हो गई है। अब इस चाशनी को आधा आधा कर लेंगे, यानी कि आधा अलग निकाल देंगे और आधा भगोने में ही रहने देंगे। तो चाशनी को छान के आधा आधा कर लिया है और एक बाल्टी में वहाँ पे थोड़ा गर्म पानी रखा है, इसमें डाल दिया है रीठे का पानी, जो हमने रीठा उबाला था ना वही। फिर यहाँ पे जो हमारा छेना था उसमें डाला है बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैदा डाला है और थोड़ा सा अरारोट डाला है। सबको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। ये तो हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं, सबको डाल के अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से एक चिकना डो बना के तैयार कर लेना है। तो वहाँ पे चाशनी में हमने रीठे का पानी क्यों डाला था, रीठे का पानी इसलिए डाला था ताकि उसमें अच्छा सा उबाल आए, उबाली के लिए ये रीठे का पानी डालते हैं। छोटे छोटे बॉल तोड़ लेंगे, जिस भी साइज़ के रसगुल्ले चाहिए, और अच्छे से गोल गोल करके रसगुल्ले बना लेंगे, यानी कि बॉल बना लेंगे। ये बढ़िया सा उबाल आ रहा है, अभी इसमें सारे रसगुल्ले डाल देंगे। रसगुल्ले डाल दिए हैं, चाशनी में उबाल आ गया था। अच्छा उबाल आ जाने के बाद ही आप रसगुल्ले डालें यहाँ पे। अभी इनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल, हमें 15 से 20 मिनट के लिए इनको बॉईल होने देना है। अच्छे से उफान आएगा चाशनी में, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। फिर झाबे से इन्होंने जो उफान आ रहा है उसको कम कर दिया है। फिर यहाँ पे गरम पानी लगाना है थोड़ा सा ऊपर ऐसे घुमाते हुए, ताकि इनका टेम्परेचर डाउन ना हो। ठंडा पानी नहीं लगाना है, ठंडा पानी लगाएंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। या फिर आप गरम चाशनी लगाएं, जो हमने साइड में निकाल के रखी थी गरम चाशनी, वो चाशनी। तो एक बार पानी लगाया है और एक बार लगाई है चाशनी, और इसी तरीके से हमें लगाना है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में ये किस तरीके से लगा रहे हैं। 15 से 20 मिनट के बाद बॉयल हो गए हैं ये, और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो हमने जो साइड में चाशनी बचा के रखी थी और इनको निकाल के उसी में डाल देंगे, तो ये चाशनी में नीचे डूब जाएंगे, तले में बैठ जाएंगे, यानी कि रसगुल्ला हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। और इसी तरीके से हम बाकी के रसगुल्ले बना लेंगे, और रसगुल्लों को एक दिन के लिए ठंडा करेंगे, और फिर उसके बाद अगले दिन उसमें आप रोज़ वाटर डाल दें, ताकि रसगुल्लों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और भी चैनल पे है रेसिपी, हलवाई वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल राखी की रसोई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।